अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मतलब यानी कि हम हार्बर जा रहे हैं, जो एक मतलब यानी कि पानी की जगह है घूमने के लिए। तो मैं पहले भी गई हूँ वहाँ पर और मतलब यानी कि अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली समर में ही जाने के लिए मज़ा आता है वहाँ पर, और इस बार मैं आपको लेकर जा रही हूँ साथ में। आप लोग चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बहुत अच्छी जगह है, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे मेरे साथ। और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा व्लॉग, डोंट बी स्किप। बाहर चल के मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल गए थे और हम लोग पहुंच चुके थे हार्बर। मतलब बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत खूबसूरत है। और मतलब यहाँ पर बड़े बड़े शिप आते हैं, क्रूज आते हैं, क्रूज भी यहाँ पर खड़े होते हैं सारे, आपके अपनी मतलब बोट्स होती हैं, और जो भी पानी की मतलब टैक्स वगैरह होती है सब कुछ यहाँ पर होता है। और मतलब यानी कि अगर आपको सिटी में जाना है एक दूसरी एक जगह से दूसरी जगह, तो इधर पानी की वाटर टैक्सी होती है, तो मतलब आप उसके अंदर जा सकते हैं। और मतलब यानी कि पार्क है, फिशिंग कर सकते हैं, सब कुछ है। मतलब अगर आप इंजॉय करना चाहें तो बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं ये। तो हम लोग यहाँ पर पहले भी आए थे, पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी और अब फैमिली के साथ आई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा वेदर था। आप लोग देख, घर से निकले थे उस वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं थी, और मतलब यानी कि बस ये जगह ऐसी थी कि मतलब बच्चों के लिए कोई ख़ास राइड नहीं होती थी इधर। मतलब यानी कि बच्चों के लिए आई डोंट नो, बच्चे इतना एंजॉय करें और नहीं करें, ज़्यादा मतलब वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। और ये मतलब एक जैसे जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, एक प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पर जैसे जो वाटर टैक्सी होती है वो आके खड़ी होती है बट, और फिर उसके अंदर हम लोग जाकर बैठें और वो हमको दूसरी जगह पर ले जाकर उतार देगी। लेकिन ये मैं आपको दिखा रही थी, COVID-19 की वजह से ये बंद करा हुआ है लोगों ने टेम्परेरी, मतलब अभी तक ये खुली नहीं थी। जब तक के सारा कुछ कोरोना क्लियर नहीं हो जाता तो इन लोगों ने कहा हम खोलेंगे नहीं कुछ इस तरह की कोई भी चीज़। तो ये आपको मैं दिखा रही थी कि प्लेटफॉर्म है इस तरह का, मतलब यानी कि जिस तरह मतलब बस स्टॉप होता है, तो यहाँ पर अगर आप खड़े होंगे इधर आके आपको मतलब वो जो वाटर टैक्सी होती है तो वो एक होता है मतलब क्रूज़ की तरह होता है, और उसके अंदर अगर आप जाके बैठ जाओ और वो आपको ले जाएगा दूसरी जगह पे उतार देगा। कुछ फ्री होती हैं इसके अंदर और कुछ आपको पे करना पड़ता है, मतलब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चाहिए, मतलब एक्सप्रेस चाहिए या लोकल चाहिए, वाट एवर यू वांट। तो इस तरह से मतलब यानी कि कुछ होता है। और हम लोग गए थे तो बहुत अच्छा लगा था। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे सब कुछ खुला हुआ था, ये कोरोना का कोई चक्कर नहीं था, बट अब तो कोरोना की वजह से सारा कुछ ही मतलब बंद पड़ा है। लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत व्यू है, मतलब ये काफ़ी बड़ा ओशियन है ये, और बहुत मतलब यहाँ पर यानी कि बड़े बड़े जहाज़ आते हैं, पानी की शिप आते हैं, और आई गेस यहाँ पर काफ़ी सारा सामान मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता होगा ज़रूर, क्योंकि देख के लगता है कि हाँ ये इस तरह का ही कोई जगह है। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ यहाँ के बारे में, जितना जानती हूँ इतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हम लोग यहाँ पे जस्ट इंजॉय करने के लिए आए थे, और मतलब यानी कि हम सोच कर आए थे कि हम वाटर टैक्सी में बैठेंगे या किसी क्रूज़ में बैठेंगे, तो वो हो नहीं सका और मतलब यानी कि सब कुछ बंद था। तो अब हम लोग मतलब यानी कि इस तरह से घूम कर और देख कर चले गए थे। मैं आपको साथ में दिखा रही थी कि व्यू बहुत खूबसूरत है, आप लोग व्यू देखिए, इंजॉय कीजिए।
बोट्स खड़ी हैं, मतलब लोगों की प्राइवेट बोट्स होती हैं जो अपनी अपनी होती हैं, जिस मतलब यानी कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरी जगह से आते हैं अपनी बोट्स यहाँ पर मतलब यानी कि पार करते हैं, फिर वो कहीं और सिटी में कहीं चले जाते हैं, आते हैं लेते हैं, जिनको यानी कि बोट्स का बहुत शौक होता है। इस तरह से लोगों की अपनी प्राइवेट हैं। और ये सारी आपको दिखा रही थी मैं साथ में कि इन लोगों ने डोर बिल्कुल बंद कर रखा है ये वायरस की वजह से, कि जब तक ये वायरस का पैंडेमिक ख़त्म नहीं होगा तो ये नहीं खोलेंगे। इधर मैं आपको दिखा रही थी कि छोटी सी डक है, बहुत खूबसूरत सी थी, पानी के अंदर तैर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत व्यू था। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को देखकर किस तरह का लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब यानी कि बच्चे वहाँ पे, बच्चों के लिए कुछ खास नहीं था लेकिन बड़ों के लिए बहुत अच्छी जगह थी। बच्चे मतलब वहाँ पे साइकिल चलाएं, बड़े साइकिल चलाएं और वहाँ पर बोटिंग करें और फिशिंग करें, सब कुछ यानी कि बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, नज़रों को बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था। अब और यहाँ पर यानी कि हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को साथ में ये भी बताती चलूँ कि रेस्टोरेंट बंद पड़ा था तो हम लोग वापस आ गए थे, यानी कि हर चीज़ बंद थी। और ये आपको देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि बोट्स खड़ी हैं, और जैसे कि मैंने बताया लोगों की प्राइवेट बोट्स होती हैं तो ये वो है। और ये सामने प्रोजेक्ट बने थे, मतलब यानी कि लोगों के अपार्टमेंट थे, और ये इनका प्राइवेट स्विमिंग पूल था जो मेरे लेफ्ट साइड पर था। और इधर मैं आपको दिखा रही थी साथ में कि ये सारा मतलब अगर ये खुला हुआ होता तो हम लोग भी बोट्स में बैठते और जाते, लेकिन ये हमारे लिए नहीं था, मतलब हमारे लिए ओपन नहीं था ऐसे। तो मतलब यानी कि जब खुलेगा तो ज़रूर जाऊंगी इंशाल्लाह, जब जाके जाऊंगी आप लोगों को ज़रूर साथ लेके जाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत खूबसूरत लगेगा, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा देखने में। और मतलब यानी कि अब हम लोगों को चल चल के भूख लगने लगी थी काफ़ी, और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम खाना खाएं तो कहां पर जाएं। और मतलब फिर हमने सर्च कर अपने फ़ोन में गूगल पर निकाल करके हमारे नज़दीक क्या क्या सामान है, मतलब क्या क्या स्टोर हैं जहां पर हम खा सकते हैं जाके, कोई रेस्टोरेंट वगैरह कौन कौन से हैं, तो काफ़ी सारे निकल कर आए थे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी देर यहाँ पर घूम के फिर हम जाते हैं और जाकर खाना खाते हैं। और जैसे कि गाइस आप लोग जानते होंगे कि इस तरह की जगह पर जब आप जाते हैं तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, और सेम थिंग हम लोगों को भी ऐसा ही था, भूख भी थी और साथ में अब यानी कि दोपहर हो चुकी थी तो गर्मी भी काफ़ी हो गई थी। एक्चुअली अगर हम लोग बोट्स वगैरह में बैठते और किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते तो बहुत अच्छा लगता, जो कि इस वक्त हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। ये मैं आपको दिखाती जाती, सारी बोट्स खड़ी हैं इधर, और इसी तरह से इधर क्रूज भी खड़े होते हैं, इधर शिप भी आता है और बहुत अच्छा लगता है, मगर इस वक्त कुछ भी नहीं था। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सही से नहीं दिखा पाई हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस तरह का लग रहा है, और देखकर किस अब मतलब अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, तो इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे इससे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है और दिल चाहता है कि आपको कुछ इस तरह की अच्छी और चीज़ें दिखाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कहीं जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी जगह थी, बहुत प्यारी जगह थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और समर में अगर इस तरह से जाएं आप इस जगह पर तो वो और भी आप लोग इंजॉय करते हैं, जिसमें मतलब यानी कि मैं और हमारी फैमिली हम लोग कहीं ना कहीं जाते ही हैं। इस दफ़ा मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, महक थक के बैठ गई थी और महक जा रही थी कि कुछ हम लोग मतलब बैठ के रेस्ट कर लेते हैं, तो मैंने कहा आप बैठो और मैं तो जा रही हूँ पानी के पास, तो मैं पानी की तरफ जाने लगी थी। इधर भी बहुत मज़ा आ रहा था, और मतलब यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर काफ़ी ऊपर तक आ जाता है और अच्छा लगता है। मतलब यानी कि इधर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई डर की बात नहीं होती, क्योंकि अच्छा होता है, सेफ़ है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहीं गिर पड़ेंगे या कोई, क्योंकि लाइफ गार्ड्स वगैरह सब होते हैं हर जगह, तो यहाँ पर भी होते हैं, और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है देखकर, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पर मतलब फ़िशिंग एरिया था, और यहाँ पर कुछ लोग बैठकर फ़िशिंग कर रहे थे, आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे थे। एक्चुअली बच्चों के लिए सिर्फ यही है कि आप खाना वगैरह अगर घर से बनाकर ला रहे हैं तो बैठ के खा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बारबेक्यू का भी दिखा नहीं था, तो लोग अपनी फैमिलीज जो होती है तो घर से लेकर आ जाएँ या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खा लें। तो मतलब यानी कि इस जगह पर हम बारबेक्यू नहीं कर सकते थे आई गेस, तो क्योंकि दिख रहा नहीं था बारबेक्यू करने का कुछ, तो बस हम लोग यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा और दिखा रहे थे। ये आपको मैं दिखा रही थी डक्स के बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे थे, बहुत प्यारे थे। ये भी एक मतलब यानी कि प्लेटफॉर्म है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वुड का प्लेटफॉर्म है पूरा,
और मतलब इसके ऊपर खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पानी में खड़े हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है देखकर। मतलब यानी कि इसके ऊपर वॉक करने में बड़ा मज़ा आता है, और हम लोग खड़े थे तो ऐसा लग रहा था हम किसी राइड में बैठे हैं, तो और अच्छा लग रहा था, मतलब यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए मुझे कि आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है। आप लोग ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। ये मतलब यानी कि महक की सुसर हैं और फरहान के फादर हैं ये, तो वो एक्चुअली वो डक को एक लेकर आए थे, इसका बेबी था डक का, तो ये उसको लेकर आए थे ताकि पल्ली और शीजा देखें और खुश हो जाएं। तो पल्ली शीजा देख के खुश हो रही थी, वो कह रही थी कि इसको मतलब कोई तंग नहीं करो, इसको छोड़ दो और मतलब इसको जाने दो, क्योंकि शायद वो उसके माँ बाप को ढूंढ रहा होगा आई गेस, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था। सो गाइस, आप लोग वो जो पिलर देख रहे हैं ये उसके पीछे बैठा था, तो उसको छोड़ दिया था हम लोगों ने ताकि वो वापस अपने घर चला जाए, और हम लोग मतलब वापस आ गए थे पार्क की तरफ, और अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग बताइए कि आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है। अब हम जा रहे थे इस जगह, जिस जगह हम जा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी डक्स थी, और पल्ली और शीजा को डक्स देखनी थी, इनको मतलब और इन्जॉय करना था, उनको डक्स के साथ खेलना था, बहुत अच्छी होती हैं। इधर ये महक और हम लोग अपना फ़ोटोशूट, क्योंकि वेदर अच्छा था, महक बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, इनका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और मतलब इनके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इनका हैंडबैग मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और इधर मतलब इनके मैं भी सोच रही थी कि जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, तो हम लोग बस अपने एक दूसरे के फ़ोटोशूट कर रहे थे, महक और मैं, और बच्चे चले गए थे डक के पास, तो उनको जाके डक्स देखनी थी। मैं भी सोचा मैंने क्यों ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी सारी डक्स हैं, और काफ़ी बड़ा साइज़ है इनका, ये पानी में भी तैरती हैं ये, और मतलब ये ग्रास पे भी वॉक कर रही होती हैं और साथ में ग्रास खा भी रही होती हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी हैं, और मतलब यानी कि किसी को बोदर नहीं करती, किसी को तंग नहीं करती, खामोशी से वॉक करती रहती हैं। और वो जब आपने बच्चे देखे थे वो इन डक्स के बच्चे हैं, मतलब इनके बहुत अच्छे होते हैं और उनको कोई मतलब तंग नहीं करता, बहुत आराम के साथ ये घूमती रहती हैं। जब ये आप देखें, कभी अगर मैंने रोड क्रॉस करा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, आई गेस मैंने आपको पहले की वीडियो में दिखाया था, बड़े आराम के साथ ये रोड क्रॉस कर रही होती हैं, और जब ये रोड क्रॉस कर रही होती है तो पीछे ट्रैफिक मतलब यानी कि पूरा स्टॉप हो जाता है ताकि आराम के साथ ये लोग रोड क्रॉस कर लें, क्योंकि पूरे ये बंच के हिसाब से चलती हैं, मतलब यानी कि एक दो नहीं चलती, पूरा इनका ग्रुप चल रहा होता है साथ में, तो अगर इनको खाना दो तो ये मतलब आती रहती हैं, फिर जाती भी नहीं है। इधर मैं अपने आप को दिखा रही, और भूख बहुत लग रही थी, दिल चाह रहा था कि कुछ खा लें, मतलब यानी कि अब हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, अगर वो रेस्टोरेंट ओपन होता तो हम लोग आपको ज़रूर दिखाते, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, क्योंकि पहले हम लोग आए थे तो वहीं पर ही हमने खाना खाया था, और अब वो बंद था तो इस वजह से हमें जल्दी जाना पड़ा, वरना शायद हम लोग और यहाँ पर टाइम स्पेंड करते। तो बस अब हम लोग जा रहे थे कि हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब हम जाके किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि अब हम जाने लगे हैं रेस्टोरेंट में और आप लोग चल रहे हैं हमारे साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करते जाइए साथ में और सब्सक्राइब भी करते जाइए मेरे चैनल को। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जाने लगे थे रेस्टोरेंट की तरफ, और हम लोग सोच रहे थे कि अब हमें भूख लग रही है तो अब हमें जाना चाहिए, हमको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना चाहिए ताकि थोड़े से फ्रेश हो जाए, और फिर कहीं और जाते हैं, मतलब यानी कि यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ नहीं था तो हम सोचे थे बच्चों को कहीं लेकर जाते हैं, तो हम लोग आ गए थे ये जैसा कबाब है, ये सिटी में आई गेस, तो ये पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है, हलाल रेस्टोरेंट है ये पाकिस्तानी, तो मतलब यानी कि हम लोगों ने इनसे पूछा कि हम यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं, अंदर आकर बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर गर्मी थी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर मतलब अंदर बैठ के नहीं खा सकते, वो बाहर हमको खाना लाकर सर्व करेंगे, तो इसीलिए क्योंकि अभी जो आउटसाइड मतलब हम बैठ के खा सकते हैं और अंदर बैठने के लिए अभी इन लोगों को परमिशन नहीं है, तो हम लोगों को काफ़ी यानी कि डिसअपॉइंट हुए थे हम लोग, और ये हमको बता रहे थे कि वो हमारी और चेयर लगा देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर बैठ के आराम से खाएं, ऐसे तो और लोग भी खा रहे थे, मैंने देखा था काफ़ी लोग थे, मतलब यानी कि यहाँ पर कोई मेला शेला था तो काफ़ी लोग खा रहे थे इस तरह से, लेकिन एक्चुअली गर्मी बहुत थी और बच्चे मतलब सारे दोनों लाल हो चुके थे वॉक कर करके, तो इसीलिए हम लोगों का मूड नहीं बन रहा था कि बाहर बैठ के खाने में मज़ा नहीं आएगा, यानी कि गर्मी लगेगी तो गर्मी में खाने का मज़ा नहीं आएगा, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम यहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट में जाएं, तब हमें पता चला कि सिटी के जो सारे रेस्टोरेंट हैं तो मतलब यानी कि वो सिर्फ आउटडोर मतलब हम बैठ के खा सकते हैं, इनडोर के लिए बंद है, मतलब यानी कि अंदर बैठ के कहीं पर भी नहीं खा सकते, तो फिर हमने अपना माइंड चेंज कर लिया और हमने सोचा कि हम यहाँ बैठ के खाना नहीं खाएंगे और यहाँ से फिर हम कहीं और जाते हैं।
तो बस हमने सोचा कि चलो यहाँ से पानी और सोडा लेके पी लेते हैं और इसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी वॉक की थी और बच्चे चाह रहे थे कि कुछ खा लें। तो बस हमने कहा कि सोचा कि नहीं, अब नहीं खा रहे हैं यहाँ पे खाना, क्योंकि बाहर बैठ के इसलिए गर्मी लग रही थी और थोड़ा यानी कि आप लोगों को पता है जब ज़्यादा वॉक कर रहे होते हैं उस वक्त भी गर्मी लगने लगती है, तो सेम ही हाल हमारा भी था। हालांकि वेदर अच्छा था लेकिन शायद हम लोग वॉक ज़्यादा हम लोगों ने कर ली थी तो इस रीज़न से हमको गर्मी लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ सोडा बाई किया और हमने सोडा लेकर पिया था। और ये शीज़ा थी, शीज़ा चेयर्स कर रही थी, मतलब इन लोगों ने जूस लिया था और मैंने सोडा लिया था, क्योंकि एक्चुअली दिल तो चाह रहा था कि मतलब कुछ खा लें, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि भूख लग रही है, लेकिन जब उन लोगों ने कहा कि बाहर ही बैठ के खाना पड़ेगा, अंदर बैठने से उन लोगों को टिकट मिल सकती है और उनका रेस्टोरेंट यानी कि बंद हो जाएगा, तो हमने सोचा कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पर खाते ही नहीं हैं। हमने सोचा फिर हम कहीं और जाकर खाएंगे, तो फिर हमने मतलब यानी कि एक है यहाँ पर रेस्टोरेंट बर्गर 360, तो ये आप लोग जो मैं आपको बता रही थी ये मैनहट्टन सिटी है और मैनहट्टन एक्चुअली मेरे जहन में न्यूयॉर्क आ गया, लेकिन ये बाल्टीमोर सिटी है, तो जो काउंटी है काउंटी में खुले हुए हैं रेस्टोरेंट, मतलब यानी कि वहाँ आप अंदर बैठ के खा सकते हैं, तो इसीलिए अब हम जा रहे थे बर्गर 360। हमने सोचा वहाँ जाकर हम खाना खाते हैं, बैठकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वक्त मूड हो रहा था कि एसी चल रहा हो, आराम से ठंडे में बैठ के खाना खाएं, तो हमने इसलिए सोचा कि चलो हम वहाँ जाते हैं बर्गर 360। पहले हम लोगों ने फ़ोन करके कंफर्म कर लिया था कि हम वहाँ पर बैठ के खा सकते हैं, लोगों ने कहा था कि हाँ जी आप अंदर बैठ के खा सकते हैं, बिल्कुल आप आ जाइए, तो हमने कहा चलो फिर हम वहीं जाते हैं, वहीं जाकर खाएंगे। और बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर खाना खाने में, मज़ा आया था बहुत, आप लोगों को दिखाती हूँ आगे चलकर, आप लोगों को देखना पड़ेगा मेरा पूरा व्लॉग, साथ साथ देखते रहिए, मुझे कमेंट्स में बताते रहिए कि आप लोग मेरा व्लॉग देख के एंजॉय कर रहे हैं ना। ये हम लोग पहुँच चुके थे बर्गर 360 और आप लोग देख सकते हैं ये, एक्चुअली मुझे इस एरिया का नाम अभी मालूम नहीं है, आई गेस मिडिल रिवर है ये तो, बट मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हम लोग पहले भी आते हैं यहाँ पर खाने, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, इनके यहाँ का बर्गर बहुत पसंद है, मतलब यानी कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आई गेस जैसे पाकिस्तान का बन कबाब होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा हम लोग हार्बर गए थे तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, लेकिन हम वहाँ पर गए थे कि हम किसी क्रूज़ पर बैठेंगे, हम मतलब यानी कि कोई वाटर टैक्सी में बैठेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ कोरोना की वजह से बंद पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं हुआ है, क्योंकि सुन रहे हैं कि वापस से मतलब यानी कि अभी सारी चीज़ें बंद कर देंगे, आई डोंट नो, समझ में नहीं आता यहाँ का, तो सब कुछ यानी कि बंद ही था, कुछ ऐसा खुला हुआ नहीं था, सिर्फ वहाँ बैठ के आप फिशिंग कर सकते थे और मतलब किसी क्रूज़ में या वाटर टैक्सी में नहीं बैठ सकते थे, इवन कि आप अगर किसी मतलब रेस्टोरेंट में गए हम लोग खाने के लिए तो वो भी सारे बंद थे, मतलब सिर्फ आप बाहर बैठ के खा सकते थे, इनसाइड के सारा कुछ बंद था, अंदर बैठ के आप नहीं खा सकते थे, अगर आप अंदर बैठ के नहीं खा सकते थे मतलब लंच का टाइम था, तो हम बाहर बैठ के खाते वो तो गर्मी के अंदर मज़ा ही नहीं आ रहा था। और बच्चों के यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा क्या होता है कि मतलब बच्चों का जो होता है स्किन जो होती है वो रेड होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक्जिमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों को प्रॉपरली मतलब धूप नहीं मिलती, तो इसकी वजह से तो फिर अंदर ही बैठ के यानी कि हमें खाना था, हम बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, फिर हम वहाँ से वापस आकर फिर यहाँ पर मतलब बाल्टीमोर काउंटी में गए, वो सिटी था और हम काउंटी में गए तो वहाँ पर ओपन था एक रेस्टोरेंट, हमने वहाँ पर खाना खाया बर्गर 360, जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था और हम लोगों को भूख भी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हमने जब वहाँ पर गए थे हार्बर तो काफ़ी वॉक करने में आए थे, आप लोगों को पता होगा ज़रूर कि जब आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं तो कितनी वॉक करनी पड़ती है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कॉमेंट्स में कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आपको कौन सी जगह अच्छी लगी, कौन सा साइट अच्छा लगा और सबसे मतलब अच्छा क्या लगा, और साथ में जो काम आप लोगों को करना होता है वो कर लीजिएगा, वो नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में मेरा पूरा व्लॉग देख लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। तो बस इतना ही आज के लिए, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।